मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में कुएं का दूषित पानी पीने से 70 से अधिक लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। जिला अस्पताल की टीम के देर से सुध लेने से ग्रामीणों में रोष है। सीएमओ ने आशा कार्यकर्ता को दोषी बताते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार खरगोन जिला मुख्यालय में 6 किलोमीटर दूर मांगरोल खुर्द में एक कुएं से दूषित पानी सप्लाई होने से गांव के करीब 70 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। कुएं के आसपास गंदगी होने से ज्यादातर लोग दस्त के शिकार हुए हैं और एक घर में से 3 से 4 लोग पीड़ित हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 दिन बाद पहुंचने पर ग्रामीणों ने रोष जताया। एक पीड़ित महिला का तो कहना है कि खराब पानी पीने से गांव में हम सब बीमार हैं, दवाई का छिड़काव नहीं किया। और ग्रामीण बोदर सिंह का भी कहना है कि गांव में करीब हर घर में बीमारी है। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। 70-80 गांव में करीबन 10 15 पानी की वजह से कब से पी रहे हैं? 6-7 हो गए। घर में भी पियो? किसी के घर में 5 दिन, किसी घर में 2 दिन। पानी कहाँ से पीते? गाँव का पानी कुएं से आता है। बाहुल में 10 से 25 ज्यादा है, उनकी तो 4 लोगों की करीब 33 की मरीज है और उनकी कंडीशन ये 33 मरीज की।